आखिर ठाकरे का, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो बहस के तमाम दायरों को पार करता जा रहा है। और सवाल ये भी कि अगर मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाया जा रहा है तो क्या वाकई इसके प्रति संजीदा हैं वो तमाम खिलाड़ी जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। शिरीष पारकर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे, दोनों ने मराठी मीडियम स्कूल्स में पढ़ाई की है, मगर शायद आपके भी बच्चे, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं। रावले साहब के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं। तो ऐसा लगता है कि ये एक तरह से खाना पूर्ति है, बिल्कुल कहने के लिए है ये तमाम जो मराठी अस्मिता की जो तमाम बातें हो रही हैं। ये एकदम सी घटिया सा एग्जाम्पल आप घिसा पीटा सवाल या घिसा पीटा जवाब आप बार बार दे रहे हैं। सवाल किस चीज का पैदा होता है? अगर अबू आजमी और कृपा शंकर महाराष्ट्र में 20 साल जीरो से लेकर हीरो बन जाते हैं तो उसको किस भूमि ने पना दी, किसने बड़ा किया? तो उस राज्य के भाषा का स्वीकार सम्मान करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये मुद्दा है। अरे शिरीष पारकर साहब, आप सबूत तो दीजिए कि आप उस भाषा का सम्मान कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे सबूत तो दीजिए। मराठी स्कूल्स की जो वजूद है वो लगातार खत्म होता जा रहा है, वो तमाम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तब्दील होते जा रहे हैं, मगर आपके अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और आप उस तर्क को घटिया बता रहे हैं। कम से कम आप तो एक एग्जाम्पल दीजिए, मिसाल सेट कीजिए। आप यही घिसी पीटी बात आप मुझे बताइए, आपका सवाल क्या, आप किस बात के ऊपर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं? मराठी अस्मिता पर ये सवाल है और मेरा आपसे यही सवाल है कि आप लोग मराठी अस्मिता की बात तो करते हैं मगर सिर्फ जुबानी है। चलिए रावले साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी भी शायद बेटी है अगर मैं गलत नहीं हूं, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉलेज से पढ़िए, तो कम से कम आपको तो एक मिसाल देनी चाहिए थी उन्हें मराठी मीडियम स्कूल में पढ़ा के। नहीं देखिए, हम अभी हम बाहर जब चले जाएंगे तो इंग्लिश होना, इंग्लिश पावरफुल होना तो आवश्यक होता है और इसको एक्सपोजर तो अच्छी तरह से इंग्लिश मीडियम में तो अच्छी तरह, इसका मतलब है नहीं। मैंने तो पार्लियामेंट में बार बार मराठी लोगों के लिए मैंने बार बार झगड़ा किया, लालू प्रसाद यादव जी के साथ झगड़ा किया हुआ है और उनको मैंने ये बताया कि मराठी लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और ये विवाद पैदा हुआ है सचिन तेंदुलकर की वजह से पैदा हुआ है। अब सचिन तेंदुलकर तक सीमित रहे ना, और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो रावले साहब अंग्रेजी में कहावत है चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, उसकी पत्नी कुछ बोल रहे हैं, कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ सचिन तेंदुलकर वो भी कुछ बोल रहे, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सब उसमें राज्य और बाल साहब टाइगर ने उसके उसको सतर्क किया है, उसको सावधान करने का इशारा दिया है कि नहीं इस राजनीति का, इसका राजनीति का आप कुछ भी बोलेंगे तो शायद और कोई उसका फायदा उठा सकता है।